बजवा दिया बजरंग वाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, सिया राम जी का डंका डंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने। बिल्कुल सभी लोग सनात को खोल दे। हेलो। और बिल्कुल एक दिन मंडोदरी को सपना आया, सुती मंडोदरी सपनों आयो सपनों भी शिवावी रे, सुती मंडोदरी सपनों आयो सपनों भी शिवावी रे, उठता दे क्या बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। पर जब मंडोदरी ने ये बात कही,
रावण ने वापस अपना पक्ष रखा किस प्रकार से, मैं बिना दिशा पुत्री हमारे रावण डंगा लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का, सिया राम का डंग लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। अब एक काम करो, थोड़ा आगे जाओ आप और इनको बिल्कुल भावना के लिए आमंत्रित करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, मैं इसी आप सभी के बीच में सभी से निवेदन करता हूँ। बिल्कुल मुझे आदेश हुआ है कि एक बार आप बीच में जाएं और इनको भाव नृत्य करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल बीच में जाओ, एक एक को पकड़ तो नहीं सकता है, जिसकी इच्छा है तो दो। और बिल्कुल बालाजी महाराज की जिसको कृपा चाहिए। क्या बात है भाई साहब, एक बार आप यहाँ जाओ। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। जोधपुरी लोग और अब बोली मंडोदरी रावण से कि मेघनाथ सा पुत्र तुम्हारे और कुंभकर्ण जैसे भाई ये हनुमान जी महाराज के सामने बेसा, बिल्कुल इनको चुपचाप बैठे देना आप, क्योंकि हनुमान सा आयक उनके लक्ष्मण है बलिबाई जी, हनुमान सा आयक उनके लक्ष्मण है बलिबाई जी, जलती अग्नि में टूटी पड़े वो कोटी तीने सिया राम का डंका
बजवा दिया बजरंग वाला ने। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने। राम जी का सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला ने।
आपको आपको उत्तर देना है। इतना उत्तर मैंने अपने हृदय में दे दिया आपको, हृदय से उत्तर दे दिया मैंने दिल में। का